बीजेपी का एक एक वे देखोगे, कैरेक्टर देखोगे, एजुकेशन का मामला देखोगे तो उसमें लगेगा आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह के एजुकेशन और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए चाहते थे, बीजेपी उसको समाप्त कर दी है एजुकेशन के मामले में। सबको अम्बेडकर साहब की जयंती मनाने का है, लेकिन उनके चरित्र और कैरेक्टर पर चल कौन रहा है? जो अम्बेडकर संविधान की संस्थाओं का धज्जी उड़ा दिया वो सबसे ज़्यादा तो बीजेपी है। बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी और उसकी आइडेंटिटी के साथ नहीं खड़ी होती है। आप देख लो, सबको धमकाती है, सबकी स्थिति आप देख लो। आप जब बीजेपी का एक एक वे देखोगे, कैरेक्टर देखोगे, एजुकेशन का मामला देखोगे तो उसमें लगेगा आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह के एजुकेशन और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए चाहते थे, बीजेपी उसको समाप्त कर दी है एजुकेशन के मामले में, उसके इकोनॉमिकल मामले में। तो आप पारस जी कहाँ मना रहे हैं तो अच्छी बात है, मनाए। रामविलास जी पूरे देश में, नौ कश्मीर से कन्याकुमारी, सभी जगह उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद काशी राम जी हैं, बाबू जगजीवन राम जी हैं, रामविलास पासवान जी हैं, इन लोगों ने बड़ी लड़ाई ली और समाज के अंतिम व्यक्तियों को उठाने में, आगे बढ़ाने में कोशिश की। सिर्फ दलितों के लिए नहीं की, दलित अब होना, अब दलितों का नेता बना देना। बाबा साहब अम्बेडकर तो वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता हैं, नेल्सन मंडेला से भी बड़े लोग। तो आप बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का अधिकार सभी जाति धर्म वर्ग को, वो मनाएं, लेकिन उनके लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने में सब लोगों को आगे आना चाहिए, संविधान की रक्षा करने में आगे आना चाहिए। बिहार के 14.5 करोड़ और बिहार की जो संप्रभुता जो खतरे में है नफरत के आधार पर, उसको बचाने का हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए।